नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक व्यास, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर। जैसा कि आपको विदित है कि राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर तकनीकी शिक्षा के विभिन्न विषयों पर वीडियो लेक्चर्स की एक श्रृंखला तैयार कर रहा है, जिसके अंतर्गत हम आज अनुप्रयुक्त रसायन का एक महत्वपूर्ण विषय स्नेहक लुब्रिकेंट्स के बारे में बात करेंगे। इस विषय के अंदर तीन जो हैं वो महत्वपूर्ण भाग हैं। पहला, स्नेह की परिभाषा व वर्गीकरण। दूसरा, स्नेह के गुणधर्म। और तीसरा है कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल स्नेहक। तो जानते हैं कि स्नेह क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और इसके गुणधर्म क्या होते हैं। तो देखिए, स्नेह क्या है। सभी प्रकार की मशीनों में दो धातुओं की सतह परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गति करती है तो उनके मध्य घर्षण उत्पन्न होता है। स्नेह की आवश्यकता हमें क्यों होती है? क्योंकि जब भी मशीनें कार्य करती है तो दो धातुओं की सतह आपस में एक दूसरे के परस्पर विपरीत दिशा में गति करती है, जिससे क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। और इस घर्षण के कारण तापमान उत्पन्न होता है, जिससे मशीनें जल्दी गर्म हो जाती है, मशीनों के पार्ट्स में या मशीनों में विकृति उत्पन्न होती है तथा ऊर्जा की हानि होती है, जिससे कि मशीन की क्षमता में कमी आती है। तो स्नेह का क्या काम है? घर्षण के इस क्षय को कम करने के उद्देश्य से दो गतिमान धातुओं के सतह के मध्य जो पदार्थ लगाया जाता है उसे स्नेह कहते हैं। यानी लुब्रिकेंट या स्नेह का कार्य क्या है कि जब दो धातुओं की सतह, जैसे कि मशीन में होता है, परस्पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करने के कारण उनमें जो घर्षण उत्पन्न होता है उसको जो कम करने का कार्य जो पदार्थ करता है उसको स्नेह या लुब्रिकेंट कहते हैं। स्नेह जो है वो सापेक्ष गतिमान सतहों के मध्य एक फिल्म सी बना। स्नेह किस प्रकार से कार्य करता है? ये जो है गतिमान सतहों के मध्य एक फिल्म सी बना लेता है, जिससे धातुएं एक दूसरे से आसानी से गति करती हैं। और ये जो स्नेहक है वो घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा का भी क्या करता है, अवशोषण करता है, ताकि मशीन ठंडी बने रहे। तो स्नेहक और लुब्रिकेंट का कार्य क्या है कि जब दो गतिशील धातुओं की सतह आपस में संपर्क में आएगी तो उनके मध्य ये स्नेहक एक परत या एक फिल्म बना लेगा, जिससे कि दोनों सतह आपस में सीधे संपर्क में नहीं होगी और प्रक्रिया के दौरान जो ऊष्मा उत्पादित होगी उसका भी ये अवशोषण करता है। तो इस प्रकार ये मशीन की क्षमता को बनाए रखता है, उसकी आयु को बढ़ाता है और उसको सामान्यतः जो है वो ठंडा भी रखता है। स्नेहक का वर्गीकरण। अब अपन भौतिक अवस्था के आधार पर स्नेहकों को तीन प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक पहले है द्रव स्नेहक यानी कि लिक्विड लुब्रिकेंट्स, दूसरे है ठोस स्नेहक अर्ध ठोस स्नेहक यानी कि सेमी सॉलिड लिक्विमेंट, और तीसरी कैटेगरी है ठोस स्नेहक यानी कि सॉलिड लुब्रिकेंट्स की। तो भौतिक अवस्था के आधार पर अपन स्नेहकों को यानी कि लुब्रिकेंट्स को तीन प्रकार में विभक्त कर सकते हैं, लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड। अब पहले अपन बात करेंगे द्रव स्नेहक यानी लिक्विड लुब्रिकेंट्स की। ये धातुओं की सतह पर द्रवीय परत बना लेते हैं, दे फॉर्म अ लिक्विड लेयर बिटवीन द मेटल सरफेस। इन्हें तेल स्नेहक भी कहा जाता है और ये निम्न चार प्रकार के होते हैं। इनको भी अगर आगे अपन चार प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी खनिज तेल यानी कि मिनरल ऑयल, वसीय तेल यानी फैटी ऑयल, संश्लेषित तेल यानी सिंथेटिक ऑयल और चौथा है सब मिश्रित तेल यानी कि ब्लेंडेड ऑयल। अब इन चारों वर्गों को जो है द्रव्य स्नेह के उनका अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहला है खनिज तेल। पेट्रोल के आंशिक आसवन यानी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे खनिज तेल या पेट्रोलियम तेल कहते हैं। खनिज तेल का मतलब मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल कैसे प्राप्त होता है? जब आप पेट्रोलियम का क्या करते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी आंशिक आसवन करते हो तो जो प्राप्त द्रव्य उसे खनिज तेल या पेट्रोलियम कहते हैं। ये पैराफिन, नेफ्थलीन तथा असंतृप्त एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण होता है तथा इनमें वनस्पति या वसीय तेल यानी कि फैटी ऑयल या वेजिटेबल ऑयल की अपेक्षा जो तेलियता होती है वो कम होती है। यानी कि इसमें जो आपको तेलियता देखने को मिलेगी किसमें, मिनरल ऑयल में, वो कम होगी। और दूसरा है
लिक्विड लुब्रिकेंट में वसीय तेल। तो वसीय तेल क्या होता है? ये वनस्पति तथा जंतुओं से प्राप्त होता है तथा वसीय तेल की उत्पत्ति के आधार पर इसको भी आगे अपन दो प्रकार में विभक्त कर सकते हैं, यानी एक तो वनस्पति तेल में और दूसरा जंतु तेल में, यानी कि वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल ऑयल। यानी वसीय तेल क्या है, इसका जो स्रोत है वो जीव जंतु या वनस्पति होते हैं। तो यदि जीव जंतु हैं तब तो इसको वनस्पति तेल कहेंगे, और यदि जंतु है तो इसको जांतव तेल या एनिमल ऑयल कहेंगे। इन दोनों को सम्मिलित करके अपन उसको क्या कहते हैं, वसीय तेल या फैटी ऑयल कहते हैं। वनस्पति तेल ये पेड़ पौधों या उनके बीजों से प्राप्त होता है, उदाहरण के लिए जैतून का तेल, सरसों का तेल, रेपसीड तेल, चीड़ का तेल, नारियल का तेल, मतलब पेड़ पौधों उनके फलों से, फूलों से या बीज से जो प्राप्त तेल होता है उसको वनस्पति तेल कहते हैं। और जांतव तेल यानी कि एनिमल ऑयल ये जंतुओं के उत्तकों यानी टिश्यू, वृक्कों यानी किडनी, यकृत यानी लीवर आदि से प्राप्त होता है, उदाहरण के लिए वेल का तेल, टैलो का तेल। टैलो का तेल जो है वो जो भैंस या जो बड़े चारपाई जानवर होते हैं उनकी शरीर में से लिया जाता है, और लार्ड तेल जो कि सुअर यानी पिग से लिया जाता है। इस प्रकार वसीय तेल अधिक चिकनाई युक्त व अधिक सहनता वाला होता है। अब आगे कैटेगरी है जिसका अपन अध्ययन करेंगे वो है संश्लेषित यानी कि आर्टिफिशियल तेल। कृत्रिम तेल जो है वो अकार्बनिक व कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक प्रक्रम द्वारा तैयार किए जाते हैं। दो प्रकार के संश्लेषित तेल जो है वो अधिक प्रचलित हैं। पहला है पॉलीएल्किन ग्लाइकॉल, यानी कि संश्लेषित तेल जो है वो लैब में बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है, जब कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक जो है आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। और दो प्रकार का जो अधिक प्रचलित है सिंथेटिक ऑयल, उसमें पहला है पॉलीएल्किन ग्लाइकॉल, ये संश्लेषित स्नेहक के रूप में अत्यधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। उच्च अणुभार वाले पॉलीएल्किन ग्लाइकॉल मोम की तरह ठोस व निम्न अणुभार वाले द्रव्य होते हैं, और निम्न अणुभार वाले पॉलीएल्किन ग्लाइकॉल को ही सामान्यतः स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो सिंथेटिक ऑयल है या आर्टिफिशियल ऑयल या संश्लेषित तेल है वो है सिलिकॉन, मिथाइल अथवा फिनाइल सिलिकॉन बहुलक जो है, फिनाइल सिलिकॉन या मिथाइल सिलिकॉन के जो बहुलक है वो सामान्यतः क्या कहलाते हैं, सिलिकॉन कहलाते हैं। और इनका जो सामान्य सूत्र है वो आपके सामने है। यहाँ पर जो ये R है इसका जो मान है वो यहाँ पे क्या, तो मिथाइल हो सकता है या फिनाइल हो सकता है। और इनके गुण क्या है, उच्च ताप को सहन करने की क्षमता होती है तथा सहनता सूचकांक निम्न होता है तथा जल एवं संक्षारण जो है ये विरोधी होते हैं। और चौथी कैटेगरी जो द्रव्य स्नेह की है वो है सम्मिश्रित तेल यानी कि ब्लेंडेड ऑयल, ये दो या दो से अधिक तेलों के मिश्रण से बनता है, अतः अधिकतर सम्मिश्रित तेल ही स्नेह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जनरली क्या होता है कि एक द्रव्य स्नेहक है, जैसे मान लो वसीय तेल है या जांतव तेल है या खनिज तेल है, उनमें सारे गुण नहीं मिलते स्नेह के, तो एक उपयुक्त स्नेह को बनाने के लिए कई प्रकार से जो द्रव्य स्नेह है उनका मिश्रण बनाया जाता है, और उस प्रकार के मिश्रण को अपन क्या कहते हैं, सम्मिश्रित तेल कहते हैं या सम्मित्रिक सम्मिश्रित स्नेहक कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि द्रव्य स्नेहक में चार प्रकार हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपके खनिज तेल जिसमें कि आपके पेट्रोलियम से उत्पाद आते हैं, दूसरा वसीय तेल जिसमें कि आपके वनस्पति तेल और जांतव तेल आ सकते हैं, तीसरा है संश्लेषित तेल जो कि लैब में बनाया जाता है, और चौथा है सम्मिश्रित तेल। तो इस प्रकार द्रव्य स्नेहक में चार जो वर्गीकरण जो है वो संभव है। दूसरी कैटेगरी का स्नेहक अर्ध ठोस स्नेहक, जिसे अपन सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के ग्रीस अर्ध ठोस वर्ग के स्नेहक में आते हैं। ग्रीस सामान्यतः तेल व साबुन का गाढ़ा मिश्रण होता है, और ग्रीसों का उपयोग ऐसी जगह किया जाता है जहां पर कम गति एवं अधिक दाब हो, यानी जहां गति कम हो लेकिन दाब अधिक हो वहां पर ग्रीस का उपयोग किया जाता है, जहां संपर्क सतहों में गति लगातार नहीं हो। इसके अलावा जहां अधिक ताप के कारण द्रव स्नेह उपयोगी नहीं हो वहां भी इनका उपयोग किया जाता है। ग्रीस में उपस्थित साबुन के आधार पर इनको निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे लाइम सोप ग्रीस, सोडा सोप ग्रीस, लिथियम सोप ग्रीस और एल्युमिनियम सोप, यानी किस प्रकार का साबुन उपस्थित है उसके आधार पर आप ग्रीस को उस श्रेणी में वर्गीकृत कर सकते हैं। उसके बाद में जो तीसरी श्रेणी है वो है ठोस स्नेह की यानी कि सॉलिड लुब्रिकेंट की। तो देखिए लुब्रिकेशंस या स्नेह को अपने तीन प्रकार के वर्गीकृत किया था, पहला द्रव्य स्नेहक, दूसरा अर्ध ठोस स्नेहक जिसमें अपने ग्रीस का उदाहरण लिया, और तीसरा जो है वो है ठोस स्नेहक। ठोस स्नेहक ऐसी जगह उपयोगी होता है जहां उच्च ताप व ताप के कारण तेल की झिल्लियां
टिक नहीं पाती तथा अर्ध ठोस स्नेक भी उपयोगी नहीं होते। यानी आप ठोस यानी सॉलिड लुब्रिकेंट का उपयोग कहाँ करोगे, जहां पर तापमान और दाब अधिक होने के कारण जो द्रव स्नेक है या अर्ध ठोस स्नेक है वो उपयोगी नहीं रहते। और इनमें जो ठोस स्नेहों के जो उदाहरण है वो है ग्रेफाइट, सबसे अधिक उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है जिसका कि स्नेक के रूप में उपयोग किया जाता है। और दूसरा उदाहरण मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड है तथा माइका है। ये वो उदाहरण है जिनका उपयोग जो है ठोस स्नेहक के रूप में किया जाता है, और ऐसी सतहों पर जहाँ तापमान और दाब जो है अधिक हो। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया कि जो स्नेहक है उसकी परिभाषा क्या होती है। स्नेहक यानी कि वह पदार्थ जो गतिशील जो मशीनी धातुओं की सतह हैं उनके मध्य घर्षण और ताप को कम करने के लिए उपयोगी पदार्थ है उसको अपन स्नेहक कहते हैं। और स्नेहक का वर्गीकरण जो है उसका अध्ययन किया, जिसको अपन भौतिक अवस्था के आधार पर तीन प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं, ठोस द्रव्य स्नेहक, अर्ध ठोस स्नेहक और ठोस स्नेहक। द्रव स्नेहक का उदाहरण लिया अपन ने अर्ध ठोस के भी लिए और ठोस के भी लिए। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि स्नेहक के गुणधर्म क्या होते हैं और उनके उपयोग अच्छे स्नेहक के अंदर कौन कौन से गुणधर्म होने चाहिए। धन्यवाद।